हे हनुमान, तुम हो सबसे बेमिसाल। तुमसे आप मिलाए किसकी है मजाल। सूरज को पल में निगला हे अंजनी के लाल। मूरत तेरी देखकर स्वयं भाग जाए काल। जय श्री राम। दोस्तों दोस्तों कहते हैं हनुमान जी का यदि हाथ भी किसी पर हो तो काल तो क्या, खुद यमराज भी आपको छू नहीं पाएगा। यानी कि यदि हनुमान जी का आशीर्वाद भी आपको मिल जाए तो कोई भी परेशानी आपको छू नहीं पाएगी और बड़े से बड़ा संकट भी आपके नाम से कांपने लगेगा। साथ ही दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी बहुत ही दयालु है, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा पाठ से ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी हर परेशानियों को दूर कर देते हैं। शास्त्रों में भी इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया गया है कि हनुमान जी की पूजा बहुत ही जल्द असर दिखाती है और शुभ फल देती है। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई हनुमान जी की पूजा अवश्य ही विशेष फल देती है, इसलिए शास्त्रों में भी हनुमान जी की पूजा का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ये सब किस्मत का खेल होता है। कहते हैं जिसकी किस्मत अच्छी हो उसे सब कुछ बड़े आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब किस्मत खराब हो तो लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे बार बार कोशिश के बाद भी सरकारी नौकरी ना लगना, दुकान या व्यवसाय में हानि होना, प्रेम विवाह में अड़चने आना आदि, ये सब किस्मत का लेखा जोखा होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे गुप्त मंत्र बताए गए हैं जिनका विद जाप करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप बिना मेहनत के ही सब कुछ इस मंत्र के जाप से हासिल कर लोगे। आपको मंत्र के साथ साथ जिस चीज़ की आप इच्छा रखते हैं उसको पूरी करने की लगन होनी चाहिए। यह मंत्र इस तरह से काम करता है कि जो आपके काम में बाधा आ रही है वह इस मंत्र के प्रभाव से नहीं आएगी और आप बड़ी आसानी से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। फिर चाहे वह सरकारी नौकरी हो या फिर प्रेम विवाह नौकरी या प्रमोशन इत्यादि में। चलिए जानते हैं इस खास मंत्र के बारे में। दोस्तों यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारनाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। अब जानते हैं इस मंत्र को जपने की विधि क्या है। दोस्तों विधि जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में भी कहा गया है कि बिना विधि के कोई भी पूजा पाठ संपूर्ण नहीं होता। इस मंत्र के जाप के लिए सबसे पहले उत्तम दिन यानी कि मंगलवार का दिन चुन लीजिए। आप सबसे पहले मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाए। इसके बाद अपने घर में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें और किसी लाल आसन पर बैठकर हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करें और चमेली के तेल का दीपक अवश्य ही हनुमान जी के सामने जलाएं। अब इसके बाद हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें और कम से कम 7 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। जो मंत्र हमने आपको बताया इसी मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। आपको हर मंगलवार इसी विधि से हनुमान जी के सामने इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों ऐसा करने से मात्र 24 घंटे के अंदर ही आपके सभी रुके हुए काम दौड़ने लगेंगे। आप हर कार्य में बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त करने लगोगे। दोस्तों आपको बता दें कि यह हनुमान जी का अचूक मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से तरक्की के सभी द्वार खुल जाते हैं। अगर आपको हमारी यह खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।